इंडिया क्राइम न्यूज़ दे रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के वलों दिल्ली दे विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा, जिस नूं लैके अज पंच पंजाब के चेयरमैन हलका फतेहगढ़ चूड़िया तो वड्डे काफले समेत दिल्ली के वल रवाना हो रहे हैं। और दिखाने तुहानूं उत्थे दीआं तस्वीरां, की कहना उन्हां दा, आओ सुणदे हां इहनां दी जबानी। देखदे रहो इंडिया क्राइम न्यूज़, कमलजीत कौर दी हलका फतेहगढ़ चूड़िया तो एक खास रिपोर्ट। मेरी वीरां नूं बेनती आ वी आपां उत्थे जा के सवेरे तुरन लगे आ, फिर आपां इक वारी झाती मार लांगे कि सवेरे कोई सुत्ता ना रहे। ठीक ना, हुंदा रहिंदा ना साडे उत्थे, हुंदा हुंदा आदमी फिर फिर पार्टी जिंदाबाद। मैं मुंडे दे पूरा मुंडे दे करंट पूरा तकरीबन 30 गड्डियां दा काफला लैके असीं दिल्ली जंतर मंतर विखे कल 23 तरीक नूं पहुंचांगे। जो सरदार भगवंत सिंह मान जी की सोच दे उत्ते असीं पहरा देण जा रहे हां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है सरदार भगत सिंह जी की याद और सरदार भगत सिंह जी दे परिवार नूं एक माण, जदों भी पंजाब दे विच सरकार बनी सी साडे सीएम साहब ने जो अपना सहुं चुक समागम भी रखिया सी, और साडे पंजाब दी शान शहीद भगत सिंह दी याद नूं समर्पित करदे होए कीता सी। और दिल्ली दे विच तकरीबन 117 हलकियां दे विचों साडे आम आदमी पार्टी दे लीडर वध तों वध शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते कल उत्थे पहुंच रहे हां। और मैनूं बड़ा माण महसूस हुंदा क्योंकि दूसरियां पार्टियां ने कदी भी साडे शहीद परिवारां नूं उन्हां नूं याद नहीं कीता गया। बड़ा सानूं माण महसूस हुंदा है साडे सीएम साहब, साडी पार्टी दे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े ही वधिया सोहणे तरीके दे नाल उन्हां दे परिवार नूं मान सम्मान दे रहे ने और शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे रहे ने। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।